हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ब्लैक ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर को मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो सर्किट्स होते हैं उनमें कौन से टाइप का कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है, जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि AC टाइप के कॉन्टेक्टर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के सर्किट में यूज करते हैं। यहाँ मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि AC कॉन्टेक्टर यूज करते हैं ये तो ठीक है, क्योंकि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है ये AC पावर पर वर्क करती है, हम सबको पता है। पर AC कॉन्टेक्टर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से टाइप का कॉन्टेक्टर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के सर्किट में यूज होता है, ये बुलेट पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि AC सर्किट में अलग अलग टाइप के कॉन्टेक्टर्स यूज किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लोड किस टाइप का है, डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि उनसे जो ये पूछा गया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के सर्किट में कौन से टाइप का कॉन्टेक्टर यूज होता है, इसका सही जवाब क्या है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो सर्किट्स होते हैं उनमें AC3 टाइप का कॉन्टेक्टर यूज होता है, क्योंकि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका मतलब ही ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रखती है, और जो भी एप्लीकेशन हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रखती है, खासकर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो सर्किट्स होते हैं वहां पर AC3 टाइप के कॉन्टेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये जो टाइप ऑफ कॉन्टेक्टर्स है ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, AC1, AC2, AC3, AC12 और उसके आगे भी है। पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चार टाइप ऑफ कॉन्टेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, यानी कि AC1, AC2, AC3 और AC4। ये जो चार कैटेगरीज बनाई गई है AC कॉन्टेक्टर्स की, कौन से टाइप ऑफ कॉन्टेक्टर कौन सी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं AC1 कॉन्टेक्टर के बारे में, जो भी रेजिस्टिव लोड्स होते हैं जैसे कि आपके हीटर्स हो गए या आयरन हो गए, इस टाइप के जो रेजिस्टिव लोड होते हैं उनमें AC1 टाइप का कॉन्टेक्टर यूज होता है। इसलिए आप अपनी इंडस्ट्री में भी देखिएगा, अगर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको AC1 टाइप के कॉन्टेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप अपने पैनल ओपन करके देख लीजिएगा कि कौन से टाइप के कॉन्टेक्टर उसमें लगे हैं, कॉन्टेक्टर पे लिखा रहता है कि कौन से टाइप का कॉन्टेक्टर यूज हुआ है। तो जो रेजिस्टिव लोड होते हैं वहां आप AC1 कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। आप अगर AC2 कॉन्टेक्टर की बात करें तो AC2 कॉन्टेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि हाई टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ऐसे एप्लीकेशन में आप AC2 टाइप के कॉन्टेक्टर्स का यूज करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके बाद बात आती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 80-85% मोटर्स जो आपकी इंडस्ट्री में लगी है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आपको AC3 टाइप कॉन्टेक्टर को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, पर वहां पर कांस्टेंट हाई करंट की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है। जैसे कि अगर हम लिफ्ट की बात करें, एलिवेटर्स की बात करें, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जहां कांस्टेंट हाई करंट आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। आपको ऐसे कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट है जो कांस्टेंट हाई करंट को सस्टेन कर सके। इसलिए आप अपने पैनल को ओपन करके देखिएगा, अगर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रन कर रहे हैं तो वहां आपको AC3 टाइप कॉन्टेक्टर देखने को मिलेंगे। एक आता है AC4 कॉन्टेक्टर। AC4 कॉन्टेक्टर हम लोग इंचिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। इंचिंग ऑपरेशन का मतलब यह है ऐसी एप्लीकेशन जहां आपको बार बार चीज को ऑन ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि क्रेन होती है। क्रेन को आप बार बार किसी सामान को उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, फिर उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, तो मल्टीपल टाइम आप लिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम आप उस बूम को डाउन कर रहे हैं, तो बार बार कॉन्टेक्टर का पकड़ना छोड़ना ये दिन भर चलता रहता है, इसको इंचिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो जहां पर इंचिंग ऑपरेशन है वहां अगर आप AC2 कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे या AC3 कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे तो वो कॉन्टेक्टर के अंदर की जो किट होती है वो जल जाएगी, क्योंकि आपका AC2 और AC3 टाइप के जो कॉन्टेक्टर्स है ये इंचिंग ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते। यही रीजन है कि इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं, खासकर आप अगर ऐसे किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं या ऐसी किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं जहां इंचिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि AC4 टाइप कॉन्टेक्टर इंचिंग ऑपरेशन में यूज होते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू में आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये चार टाइप के कॉन्टेक्टर्स को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा कि किस टाइप के एप्लीकेशन में किस टाइप का कॉन्टेक्टर्स हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बुलेट पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान में रखिए, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इस चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।